हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है थिंक आर्मी में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हंटा वायरस के बारे में कि हंटा वायरस इंडिया में भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये ट्रू है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे हंटा वायरस हमारे इंडिया में आ चुका है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं हंटा वायरस के सिम्टम्स की, हंटा वायरस कैसे फैलता है, हंटा वायरस किस चीज़ से फैलता है और हंटा वायरस से बचने के क्या क्या तरीके हैं, इसकी जो साइंस है वो क्या क्या है, सबसे पहले हंटा वायरस कहाँ देखा गया और हंटा वायरस ने अभी तक कितनी तबाही मचा दी है। तो तबाही की अगर मैं बात करूँ तो द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि हंटा वायरस का पता जब चला, जब 4 लाख केसेस इसके हो चुके हैं और 16,000 की डेथ हो गई, तब हंटा वायरस का पता चला। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो लेबोरेटरी थी उसमें जो साइंटिस्टों को पता लगा जब 4 लाख केसेस हो चुके थे। और दुनिया को इस बात का और इंडिया एशिया कंट्रीज़ को, लोगों को, जो आम लोग हैं उनको इस बात का तब पता चला जब 21 मार्च 2020 में शेंडोंग जाने वाली बस के अंदर चाइना के एक यूनान व्यक्ति की मौत हो गई। बात करें कि ये इंडिया में कब मिला, तो मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर 2018 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के कुछ साइंटिस्टों ने एक पेपर रिलीज किया था, हंटा वायरस इज एन जिंग पब्लिक थ्रेट इन इंडिया। देखिए आप यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैंने प्रूफ भी दिया है, यहाँ पर आप नीचे देखिए जहाँ पर रेड कलर का सर्किल हो रहा है, वायरस है ये पहले भी इंडिया में आ चुका है, एशियास कंट्री में आ गया है। क्योंकि ये जो हंटा वायरस है ये वायरस सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में फैलता है या पनपता किन से है, हंटा वायरस फैलता कैसे है, हंटा वायरस फैलता है आपके इन्फेक्टेड रोडेंट्स के यूरिन से। रोडेंट क्या होते हैं, रोडेंट को हिंदी में हम बता दें कि चूहे और गिलहरी को कतरकर खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोडेंट्स। ऐसे में बिल्ली, चूहे और आपके जो कुत्ते होते हैं इनसे हंटा वायरस फैलता है। ठीक है कि चूहों से पहला है हिस्पिड कॉटन रैट, दूसरा है डियर माउस, तीसरा है आपका वाइट फुटेज माउस। तो हंटा वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, हंटा वायरस के सिम्टम्स है इसमें आपको वोमिटिंग आती है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक आपको रहता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बुखार चढ़ता है और वो भी ठंड से, इसमें ठंड लगती है। चौथी बात अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे घर के बाहर जो रोडेंट्स होते हैं उनके यूरिन से ये एरोसोलाइज्ड हो जाता है, इसका यूरिन रहता है, उसके यूरिन के एरोसोलाइज्ड होने की वजह से वो वायरस एयर के अंदर पनपता है और इंसान के लंग्स के अंदर पहुंचता है। लंग्स में जाने के बाद वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन वेसल्स को ख़त्म करता जाता है और हमारे लंग्स के अंदर एक खून की पिचकारियाँ निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब होने के बाद हमें जो सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है वो पड़ती है ऑक्सीजन की, और उसको हमें वेंटिलेटर पर लिटाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं मिला है। कोरोना वायरस की तरह ही हंटा वायरस की भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सबसे पहले जो हंटा वायरस पाया गया वो 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया गया था। इसका तो तब पता चला जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाख केसेस इन्फेक्टेड पाए गए थे और उसमें से 16,000 की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो घर का फ्लोर है उसको हम डिसइन्फेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसी ब्लीच और सैनिटाइजर से उसको धोएं जिसके अंदर अल्कोहल पाई जाती हो कम से कम 70%। बात यह भी आती है कि इससे इंडिया को खतरा है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आज से पहले ऐसी भी ना जाने कितनी बीमारी आ चुकी हैं जिनका पता ही नहीं चला है
और लोगों की मौत हो जाया करती थी। ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ऑल ऑफ द वर्ल्ड में एक साथ तेजी से फैला है। क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। ऐसे ना जाने कितने वायरस आते रहते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हंटा वायरस पनपता है तो ये और भी ज़्यादा दुखदाई होगा। और अभी तो 21 दिन का ही लॉकडाउन हुआ है, ऐसा हो सकता है कि ये लॉकडाउन जो है आपका 2 या 3 महीने और बढ़ जाए। तो ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हाथों को धोते रहें, अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लीन और डिसइंफेक्ट रखें, अपने फ्लोर को भी बार बार धोएं, रोज़ाना नए कपड़े पहने, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। इससे क्या होगा, आप अपने आप को सेफ रखेंगे। और तीसरी चीज़, जितने भी आपके रोडेंट्स हैं, जैसे आपका बिल्ली कुत्ते और ये जो आपके चूहे होते हैं, इनको अपने घर से बाहर रखिए। बाहर लाने की जो इनकी दवाइयाँ हैं वो आप घर में ला करके रखिए, जिससे ये हमारे जो रोडेंट्स हैं बाहर चले जाएं और हमें हंटा वायरस ना हो पाए। हंटा वायरस भी क्या है, कोरोना वायरस की तरह ही फैलता है। इसका ट्रांसमिशन यानी कि जिस तरीके से ये एक्टिव रहता है 2 to 3 days, ऐसे ही हंटा वायरस भी हमारा क्या रहता है, 2 to 3 days एक्टिव रहता है। ऐसे में आप गर्म पानी पिए।